students, welcome to maths class. I am Vishali, your maths teacher, is again with you. In last class, we had done 5th, 6th and 7th question of exercise 12.3 of chapter 12, that is algebraic expressions. In this class, we will continue this exercise and we'll do question 8, 9th and 10th. 8th question is, first part likha hai maine yahan par, if z is equals to 10, find the value of this expression. Same वैसे ही value find करनी है, but ये expression पहले हम इसको simplify कर देंगे और फिर ये value put करेंगे z is equals to 10. देखो, board का school हमें पता है, सबसे पहले क्या होगा? Bracket solve, तो z cube as it is, अब ये multiply होगा, ठीक है? ये term minus की है और अंदर वाली terms के sign change हो जाएंगे. तो माइनस का 3z ये माइनस है प्लस हो जाएगा 3 इनटू 10 30 क्योंकि माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई ठीक है. अब जो z की वैल्यू है वो क्या है 10 तो यहां पर पुट करेंगे हम z के प्लेस पे 10 यहां z है 10 पुट किया z का क्यूब है तो 10 का क्यूब माइनस 3 z है z के प्लेस पे 10 प्लस 30 ठीक है. This is equals to 10 cube means 10 को 3 times multiply करना है. Means क्या करेंगे हम यहाँ पे 10 into 10 into 10 ठीक है 10 को 3 से multiply नहीं करना 10 को 3 times multiply करना है 10 into 10 into 10 कितना आ जाएगा 1000 minus 3 into 10 30 plus 30 ये माइनस प्लस कैंसिल हो गए हमारे पास 30 कितना आंसर आया 1000 मींस जो ये एक्सप्रेशन हमें गिवन था इसकी वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल्स टू 10 कितनी आई 1000. सिमिलरली यू कैन ट्राई इट्स सेकंड पार्ट. नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a इफ द वैल्यू ऑफ 2x² + x - a इक्वल्स टू 5 when x is equals to 0. अभी तक हम क्या कर रहे थे जो एक्सप्रेशन हमें गिवन था हम उसमें वेरिएबल की वैल्यू पुट करके उस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड कर रहे थे. इस क्वेश्चन में एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें गिवन है पहले से ही 5 और वेरिएबल की वैल्यू भी गिवन है 0 लेकिन इस एक्सप्रेशन के अंदर एक टर्म मिसिंग है हमने वो फाइंड करनी है ठीक है. तो हम सबसे पहले जैसे हम करते आ रहे हैं अभी तक x की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे एक्सप्रेशन की तो यहां पर क्या आ जाएगा 2 x के प्लेस पे 0 स्क्वायर प्लस x के प्लेस पे 0 माइनस a एज इट इज. अब 0 स्क्वायर 0 ही आएगा और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ये 0 हो गया और ये भी क्या है 0 तो मेरे पास क्या बचा इसमें आंसर माइनस a ठीक है. ये क्या आ गई वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन एट x इज इक्वल्स टू 0 लेकिन ये वैल्यू मुझे गिवन कितनी है 5 तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ये -5 है वो कितना होना चाहिए सॉरी -a है वो कितना होना चाहिए 5. अब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5 ठीक है मींस हमने दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया जब हम यहां करेंगे तो a हो गया और जब हम यहां -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 तो मेरे पास a कितना आ गया -5 ठीक है. क्या था इस क्वेश्चन में ऑलरेडी मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 5 गिवन थी एट x इक्वल्स टू a तो a के सॉरी एट x इक्वल्स टू 0 तो x के प्लेस पे मैंने 0 पुट कर दिया और जो ये a था वो -a एज इट इज रह गया. नाउ -a इज इक्वल्स टू 5 क्योंकि वैल्यू पहले से ही 5 गिवन है मींस जो आंसर आता है वो हमें पहले से ही गिवन है तो a कितना आ गया यहां से -5 क्लियर. अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 इज सिंपलीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन a इज इक्वल्स टू 5 एंड b इज इक्वल टू -3. तो हमने क्या करना है इस एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करना है और फिर सिंपलीफाई करने के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें a की वैल्यू को 5 और b की वैल्यू की प्लेस पे -3 पुट करना है. तो पहले इसे सिंपलीफाई करते हैं. देखिए 2 को इससे मल्टीप्लाई ब्रैकेट सिंपलीफाई कर रहे हैं हम 2a²
और फिर इस 2 को ए बी से मल्टीप्लाई, 2AB प्लस 3 माइनस ए बी, क्लियर। अब लाइक टर्म्स देखते हैं हम, 2A स्क्वायर, कोई और टर्म ऐसी नहीं है जिसमें ए स्क्वायर हो, तो ये एज इट इज। अब इसमें ए बी आ रहा है और ये भी ए बी, तो 2AB माइनस ए बी 1AB दैट इज प्लस ए बी, और ये प्लस का 3, क्लियर। तो ये आ गई इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब इसमें पुट करेंगे हम ए के प्लेस पे 5 और बी के प्लेस पे माइनस 3। नाउ ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू माइनस 3। देखो 2 ए के प्लेस पे 5, तो ये आ गया 5 स्क्वायर, क्योंकि वहां पे ए स्क्वायर है, प्लस ए इंटू बी, तो 5 इंटू माइनस 3, 5 और 5 के साथ माइनस 3 मल्टीप्लाई में, क्लियर। प्लस 3, तो यहां पे आ गया प्लस 3। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 5 स्क्वायर मींस 5 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 25, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करनी है, माइनस 5 इंटू 3 15 प्लस 3, नाउ 2 इंटू 25 50 माइनस 15 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 50 और 3 दोनों को ऐड कर देते हैं पहले, कितना आ जाएगा 53 माइनस 15, क्लियर। और अब इसमें से इसको माइनस करेंगे दैट इज 38, क्लियर। क्या करना था हमने, सिंप्लीफाई करना था इस गिवन एक्सप्रेशन को और फिर ए और बी की वैल्यूज पुट करके आंसर फाइंड करना था कि उस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। तो आज क्या किया हमने, एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन 8, 9 एंड 10 रह रहे थे, हमने उन्हें कंप्लीट किया। नाउ यू कैन कंप्लीट दिस एक्सरसाइज 12.3। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू एक्सरसाइज 12.4। थैंक यू स्टूडेंट्स।